सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज अबाउट मर्चेंट नेवी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं छत पे आया हुआ था, जस्ट बारिश खत्म हुई थी, बारिश के खत्म होने का वेट कर रहा था मैं, क्योंकि मैं छत पे आया हुआ था तो मुझे मौसम अच्छा लगा, तो मैंने सोचा यहीं पे शूट ले लिया जाए। तो यार, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये वीडियो मैंने बैंक के मैनेजर के साथ बनानी थी, पर बैंक के मैनेजर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है। बट उनसे मैंने सारा डिस्कशन कर लिया है, फ़ोन पे सारी बात कर ली है, और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे पूछ लिए हैं, किस टाइप से क्या लोन प्रोसीजर है वो भी मैंने पूछ लिया है। लेकिन अगर होप आगे अगर कोई मैनेजर के साथ कॉन्टैक्ट हो पाता है तो ज़रूर मैं उनके साथ भी एक वीडियो ज़रूर शूट करूंगा। बट अभी यार ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी इस वीडियो को मैं स्किप नहीं कर सकता था, बिकॉज मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में लिंक आ रहा है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो ये उसका सेकेंड पार्ट है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग बैंक लोन फॉर मर्चेंट नेवी। तो यार, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे जब हम बैंक लोन लेना चाहेंगे? तो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा यार वीडियो, छोटी वीडियो रखूँगा, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में बैंक लोन के रिगार्डिंग। तो आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। तो यार, मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे बैंक लोन के लिए? तो यार, पहला जो आपका मेन चाहिए, जिसमें आपसे आपका एड्रेस प्रूफ और आपका जो आईडी होती है आधार कार्ड, ये चाहिएगा यार। आधार कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर आपको पैन कार्ड भी चाहिएगा। ये सारी चीज़ कंपलसरी है, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि ये नहीं लगा इसके बदले कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी चीज़ कंपलसरी है। तो आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और लास्ट टू ईयर की सैलरी स्लिप। ये आपकी यार फादर की होगी, लास्ट टू ईयर की सैलरी स्लिप। लाइक आप 2019 में लोन ले रहे हैं तो 2016 तक से लेके 19 तक की सैलरी स्लिप आपके फादर की वहाँ बैंक में आपको देनी पड़ेगी। और लेटेस्ट फोटोग्राफ, और मतलब इस ये बताया यार मैनेजर ने कि 3 महीने के अंदर के फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, विद इन 3 मंथ से पुराने नहीं होने चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। और यार, कॉलेज एडमिशन लेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलेज एडमिशन लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लोन लेने के लिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको लोन मिलेगा। तो कॉलेज एडमिशन लेटर भी आपके पास होना चाहिए, वो आप अगर कॉलेज में जाते हैं लाइक DNS कर रहे तो आपको वो लेटर मिल जाता है। और फी डिटेल ऑफ कॉलेज, ये भी आपको वहीं मिल जाएगा यार, कॉलेज की जो फ़ी डिटेल है वो भी उसी लेटर में, या फिर आप अलग से एक फ़ी डिटेल मांग सकते हैं, जो उनका एनवलप होता है, प्रॉस्पेक्ट होता है, उसमें अलग से फ़ी डिटेल होती है, तो ये भी आपका लगेगा। और आपको यार फर्स्ट में फॉर्म भरना पड़ेगा, वो बैंक वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे, उस फॉर्म के साथ ये आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं ये आपके नीड होगी। और बाकी एक दो जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बैंक की, वो भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। जब आप बैंक जाएंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे लोन के लिए, तो आपको 2-3 फॉर्मेलिटी बता देंगे। बट आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स, जब भी आपको लोन लेना है तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड जय हिंद।